तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, एमडीडी के उपाध्यक्ष और सचिव दफ्तर में मौजूद नहीं है। 11:30 तक भी अधिकारी नहीं पहुंचे अपने दफ्तर। एमडीडीए मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो दफ्तर है देहरादून में, वहां अधिकारी पहुंचना मुनासिब नहीं समझते वक्त पर, और देर से आने पर अधिकारियों के पैसे कटेंगे, ऐसा उपाध्यक्ष का बयान था। लेकिन खुद ही वो मौजूद नहीं, एमडीडी के उपाध्यक्ष और सचिव दफ्तर में मौजूद नहीं। 11:30 से भी ज्यादा वक्त हो चुका था, तब तक भी अधिकारी नहीं पहुंचे। ड्यूटी टाइम पर दफ्तर नहीं आते अधिकारी। एमडीडीए उपाध्यक्ष मीनाक्षी सुंदरम का बयान आया था कि जो भी कर्मचारी एमडीडीए के दफ्तर वक्त तक नहीं पहुंचेगा, यानी कि 10 बजे जो दफ्तर का टाइम है उस वक्त नहीं पहुंचेगा, उसके पैसे कटेंगे। लेकिन खुद साहब भी मौजूद नहीं रहते 11:30 बजे के वक्त, जब नेटवर्क 10 की टीम गई दफ्तर में देखने के लिए कि उपाध्यक्ष कितना उस बात को फॉलो करते हैं जो खुद वो कहते हैं कर्मचारियों से, तो वहां पर जाने पर पता लगा कि खुद उपाध्यक्ष साहब भी वहां मौजूद नहीं। अब उनके पैसे कौन काटेगा? कर्मचारियों के पैसे काटने की वो बात कर रहे थे। जनता परेशान रहती है, लेकिन अधिकारी अपने दफ्तर में वक्त तक पहुंचना मुनासिब नहीं समझते। शायद राजधानी में भी अधिकारियों को डर नहीं रह गया है, अपने ऊपर बैठे जो साहब है उनका भी डर नहीं रह गया है, और इसके साथ साथ जो खुद बयान देते हैं अधिकारी कि वो वक्त से पहले जो वक्त तक कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंचेगा, दफ्तर नहीं पहुंचेगा, उसके पैसे कटेंगे। अब उपाध्यक्ष साहब और सचिव खुद ही मौजूद नहीं है दफ्तर में, तो इनके पैसे कौन काटेगा? ये सवाल भी यहां पर खड़ा हो रहा है। मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं एक बार अटेंडेंस को चेक कर लूंगा, यदि कोई कर्मचारी और अपने उचित समय पर नहीं आ रहा है तो उसका तनख्वाह काट। मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं एक बार अटेंडेंस को चेक कर लूंगा, यदि कोई कर्मचारी और अपने उचित समय पर नहीं आ रहा है तो उसका तनख्वाह काट दी जाएगी। टाइम पर दफ्तर नहीं आते अधिकारी। एमडीडीए उपाध्यक्ष मीनाक्षी सुंदरम का बयान आया था कि देर से आने वाले जितने भी कर्मचारी अधिकारी है उनके पैसे काट दिए जाएंगे, क्योंकि जनता परेशान होती है, उनके काम नहीं होते। लेकिन उपाध्यक्ष साहब खुद भी वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंचते। आज नेटवर्क 10 की टीम जब एमडीडीए के ऑफिस पहुंची तो वहां का नजारा 11:30 बजे तक ऐसा था जैसे इस ऑफिस में काम ही नहीं होता हो। बस जनता परेशान थी, उनके काम रुके हुए थे, और जो एमडीडीए के उपाध्यक्ष है मीनाक्षी सुंदरम, वो 11:30 बजे के बाद पहुंचे। इसके अलावा वो खुद ये बयान दे रहे थे कि जो टाइम से नहीं आएगा कर्मचारी उसके पैसे काट दिए जाएंगे। अब उपाध्यक्ष साहब के पैसे कौन काटेगा? और इस वक्त हमारे संवाददाता सुधांशु पुरी फोन लाइन पर मौजूद है। सुधांशु, आप पहुंचे थे ऑफिस 10 बजे, आप पहुंच गए थे, क्या नजारा आपने देखा? खुद मीनाक्षी सुंदरम ये बयान देते हैं कि जो कर्मचारी देर से पहुंचेगा उसके पैसे काट दिए जाएंगे, लेकिन एमडीडी के उपाध्यक्ष खुद अपने जो बयान है, जो बातें उनको फॉलो नहीं करते। सर, मैं आपको बताऊं कि पिछले कई महीनों से ये शिकायतें मिल रही थी कि एमडीडीए के जो अधिकारी हैं वो खुद वक्त पे तो पहुंचते नहीं है, साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं निचले स्तर के वो भी मौजूद नहीं रहते हैं। 10 बजे जिनको टाइमिंग है, जो सरकार ने टाइम दे रखा है 10 से 5 की ड्यूटी, वो भी सरकारी ड्यूटी, आप समझ सकते हैं कि सरकारी ड्यूटी होती भी कैसे है, लेकिन जिस तरीके से 10 बजे इनको पहुंचना चाहिए था, आखिरकार आज वो चीज सच भी साबित हुई। जब हम 10 बजे आज एमडीडीए पहुंचे तो ये अधिकारी 12-12 बजे तक आते हैं, और उसके साथ ही साथ हमसे इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके पैसे काट लिए जाएंगे, जो अधिकारी यहाँ मौजूद होगा अटेंडेंस रजिस्टर हम चेक कराएंगे। कुल मिलाकर के एक बात तो साफ है कि अधिकारी खुद तो बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष मीनाक्षी सुंदरम ये तो कह रहे हैं कि 10 बजे तक जो मौजूद नहीं होगा उसके 2 घंटे के पैसे काट लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या उपाध्यक्ष और सचिव जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं एमडीडीए के, क्या उनके भी पैसे काटे जाएंगे? यही सुधांशु सवाल है ये कि राजधानी देहरादून में भी अगर अधिकारियों को डर नहीं है, मंत्रियों का डर नहीं है, उन जिम्मेदार लोगों का डर नहीं है कि वो छापेमारी भी कर सकते हैं, विभागीय जो मंत्री है वो देख सकते हैं आकर, तो दूसरे सूबे के जो दूसरे जिले हैं उनका क्या हाल होगा? शायद मीनाक्षी सुंदरम समझ बैठे हैं कि गैरसैंण में पहुंच चुके हैं सारे मंत्री, तो सरकार तो गैरसैंण चली गई है, कल कैबिनेट की बैठक होनी है, वहाँ के इंतजाम किए जा रहे हैं, वहाँ जाएगी
अब वो मर्जी है, जिस टाइम भी आए लोग परेशान हो तो हो, उनको कोई इससे लेना देना नहीं। बिल्कुल सही कहा सर, जिस तरीके से मैं आज नजारा देखने को मिला, यही सेम नजारा आप नगर निगम में भी देख सकते हैं, अन्य विभागों में भी देख सकते हैं। अगर उनके अटेंडेंस रजिस्टर्ड अगर हम चेक करते हैं तो वो रोजाना 10 बजे उनका शो करता है। तो सबसे बड़ा सवाल है, आज जो कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं वो 12 बजे तक की तस्वीरें हैं, 11:30 बजे तक अधिकारी वहां उनके कमरे में मौजूद नहीं थे, कुर्सियां खाली पड़ी थी। लेकिन कल अगर आप इन्हीं के रजिस्टर, इनके विभाग के रजिस्टर आप देखोगे तो 10 बजे इनका ड्यूटी लिखी होगी। कुल मिलाकर के एक बात तो साफ है कि जनता परेशान है, जनता त्रस्त है, जनता इनका इंतजार कर रही है, घंटों इंतजार कर रही है, लेकिन अधिकारियों को कोई परवाह नहीं है, ना तो नेताओं को परवाह। हाजिरी सही वक्त की लगा देते हैं, चाहे 2 घंटे लेट आए चाहे 3 घंटे लेट आए, लेकिन हाजिरी जो लगेगी, अटेंडेंस जो लगेगी वो 10 बजे की लगती है इन अधिकारियों के जरिए। खुद बयान देते हैं मीनाक्षी सुंदरम की, जो देर से कर्मचारी आएंगे उनकी तनख्वाह काट दी जाएगी। आपकी उनसे बात हुई जब वो 11:30 बजे के बाद ऑफिस पहुंचे एमडीडी के, तो उनका क्या कहना था इस बारे में? सर मैं आपको बताऊं कि 10 बजे हम आज एमडीडीए के दफ्तर पहुंच गए थे, जहां जनता जो है, आज उनका जनता दरबार भी था, जिसमें जो है वो जो अवैध निर्माण के कारण जो है जो इनकी शिकायतें हो रखी, वो लोग आए रखे थे करीब 1.5 घंटे 2-2 घंटे से, बुजुर्ग व्यक्ति इंतजार कर रहे थे कि किस वक्त उपाध्यक्ष महोदय आएंगे और आकर के उनकी उनकी परेशानियों को सुनेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय करीब 12 बजे आते हैं, 10 बजे का टाइम है, 12 बजे आते हैं, सचिव महोदय भी 12 बजे आते हैं, और 12 बजे आने के बाद वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक उन लोगों से मिलते हैं जो VIP क्लास के हैं, जिनके भूमि से संबंधित जो है जिनकी प्लाटिंग हो रही है, वो अपने कमरे में बैठ करके 2 बजे मिलते हैं। यानी कि जनता 10 बजे आती है, 2 बजे तक इंतजार करती है, 4-4 घंटे तक का इंतजार कराया जाता है अधिकारियों के द्वारा। और जब इस पर हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस पे पैसे काट लिए जाएंगे, तो क्या उनके 4 घंटे के पैसे काटे जाएंगे? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। अब देखना यह है क्या सरकार इन लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती है, या ये अधिकारी खुलेआम ऐसे ही 12-12 बजे तक आते रहेंगे, जनता को परेशान करते रहेंगे, जनता परेशान होती रहेगी, जनता की सुनने वाला कोई नहीं है, ये आज इन तस्वीरों से साफ हो गया। लेकिन सर इसमें एक बात और मैं बता दूं कि राजधानी देहरादून की ये तस्वीरें हैं, अगर पूरे उत्तराखंड की अगर हम उस पर बात करें तो लगभग सभी अधिकारियों सभी कर्मचारियों का यही हाल होगा और यही विभागों का हाल है राजधानी में। एक और सुधांशु, यकीनन ये सवाल पैदा हो गया है कि खुद जो मीडिया के सामने बयान दे देते हैं एमडीडी के उपाध्यक्ष, देर से आने वाले कर्मचारियों के पैसे काट दिए जाएंगे, अब वो खुद अपने बयान को कितना फॉलो करेंगे, क्या अपने पैसे भी कटवाएंगे? मीनाक्षी सुंदरम तो देर से पहुंचते हैं, तमाम जो अधिकारी है ड्यूटी टाइम पर अधिकारी दफ्तर पहुंचना मुनासिब ही नहीं समझते, कुछ इसी तरह का नज़ारा दिखा आज देहरादून में मौजूद एमडीडीए के दफ्तर में। उत्तराखंड के गैरसैंण में होने वाली कैबिनेट की बैठक की, कल गैरसैंण में बैठक होने जा रही है, ऐतिहासिक कैबिनेट की बैठक, सबकी निगाह लगी हुई है क्योंकि कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब गैरसैंण में कोई कैबिनेट की बैठक आयोजित हो रही है। सबकी निगाहें हैं, तमाम मंत्री कल पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से, इसके अलावा अधिकारियों के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के गैरसैंण में होने वाली कैबिनेट की बैठक पर सबकी नजर बनी हुई है, वजह साफ है कि ऐसा उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई कैबिनेट की बैठक गैरसैंण में होने जा रही है। हालांकि इस कैबिनेट की बात की जाए तो यह बैठक उत्तराखंड के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी कैबिनेट बैठक होगी। मंत्रियों अधिकारियों के आने जाने खाने और ठहरने में तकरीबन 5 करोड़ का खर्चा आने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि इस ऐतिहासिक बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने पर चर्चा हो सकती है, वहीं गैरसैंण में एक विधानसभा सत्र बुलाने पर भी मुहर लग सकती है। खनन को सिंगल विंडो सिस्टम करने पर फैसला हो सकता है। मलिन बस्तियों में मालिकाना हक को लेकर कानून में शिथिलीकरण हो सकता है। इसके अलावा
बैंकों से कृषि ऋण में छूट की सीमा बढ़ाने, मैदानी इलाकों में स्कूली बालिकाओं को साइकिल देने और पहाड़ की बालिकाओं को उतनी ही रकम की एफडी का लाभ देने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बीपीएल परिवारों को सब्सिडी के 3 अतिरिक्त रसोई गैस सिलेंडर पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है। पहाड़ में नई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल किया गया है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा और फैसले होने की उम्मीद है कल होने वाली गैरसैंण की कैबिनेट की बैठक में। रोबिन सिंह चौहान, नेटवर्क 10, गैरसैंण। तो कल होने वाली कैबिनेट की बैठक पर सबकी निगाह लगी हुई है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार गैरसैंण में कैबिनेट की बैठक आयोजित होने जा रही है। यकीनन कई अहम जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि गैरसैंण में बैठक रखने के पीछे की जो वजह है वो यही है कि जो हालात है पहाड़ के उन पर गौर किया जा सके। वहाँ बैठकर पहाड़ी इलाके में बैठकर कैबिनेट वहाँ पर बैठे और वहाँ के जो हालात है उसके बारे में चर्चा कर सके। निगाह है कि कल क्या होगा कैबिनेट में, हालांकि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ रोबिन सिंह चौहान जुड़ चुके हैं फुल लाइन पर, जो गैरसैंण जा रहे हैं इस वक्त इस कैबिनेट की बैठक को कवर करने के लिए। रोबिन, आपसे जानना चाहेंगे कल जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, खासतौर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात जिस तरह से लंबे वक्त से होती आई है, इसके साथ साथ एक विधानसभा सत्र वहां बुलाने की बात भी चल रही थी लंबे वक्त से, इस तरह की मांग उठती आई है, उन पर भी फैसला हो सकता है कल। देखिए बिल्कुल शोएब, मैं आपको बता दूं कि जो कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि गैरसैंण के विकास के लिए और पहाड़ों के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और वो दिखाना चाहेगी सरकार इस समय अपने निर्णयों के द्वारा कि जो गैरसैंण में कैबिनेट करने का जो मूल भाव है वो पूरा कर रही है, जिसमें जिसके तहत ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने को लेकर बात की जाएगी, एक मिनी विधानसभा बनाने की बात की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर सत्र बुलाने की बात की जा रही है, मिनी विधानसभा बनने से पहले भी उस वहाँ पर एक सत्र हो जाए, इस तरीके की बातें हैं इस बार कैबिनेट में और उस पर निर्णय लिए जा सकते हैं। और तमाम कई और निर्णय हैं जिसमें खनन को लेकर निर्णय होंगे कि सिंगल विंडो सिस्टम उसको किया जाए, क्योंकि अभी खनन का जो पट्टे दिए जाते हैं उसमें औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत आता है ये मामला और उसमें अलग अलग विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है, कई दूसरे विभागों से एनओसी लेकर तब जाकर एक तमाम चीजों को उनका सरलीकरण के एक सिंगल विंडो पे उसको लाए हैं। इसके अलावा मलिन बस्तियों को लेकर भी कुछ निर्णय हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने की कैबिनेट में कुछ निर्णय हुए थे इस मलिन बस्तियों के ऊपर मालिकाना हक देने को लेकर, तो उस पर कुछ कानून जो है बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं उनमें शीतलीकरण की बात इस समय की जा रही है। इसके अलावा गैरसैंण में पीडब्ल्यूडी का एक दफ्तर खोलने की बात की जा रही है, यानी कि रोबिन पूरी तरीके से कहा जा सकता है बहुगुणा जानते हैं कि ऐतिहासिक उनका कदम है और इस कैबिनेट की बैठक में जो भी फैसले लेंगे उन पर गहन मंथन किया गया है और यकीनन वो चाहते हैं कि इन फैसलों को भी याद रखा जाए कि कम से कम बहुगुणा ने अगर यहाँ पर कैबिनेट बैठक बुलाई पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में, तो जहाँ जो यहाँ फैसले हो वो भी ऐतिहासिक हो और पूरे जो पहाड़ की जिस तरीके से जनता की हमेशा ये शिकायत रही है कि पहाड़ के जो लोग हैं उनके बारे में सरकार नहीं सोचती, देहरादून में बैठकर भी ये तमाम जो दिक्कतें हैं कम से कम उन पर विचार मंथन हो। देखिए बिल्कुल, क्योंकि गैरसैंण की जो बैठक थी वो पहले उसकी तिथि कुछ और थी, फिर उसको क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग गई थी तो उसके बाद इस तरीके के निर्णय, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि अगर वो कोई निर्णय ले तो जनता के बीच जाए, एक संदेश पहुंचाए, एक अच्छा संदेश पहुंचे सरकार की तरफ से, तो वो जो और गैरसैंण बैठक का जो मूल भाव है, मूल भावना ये है कि जो सरकारी मशीनरी पहाड़ों में
खतरा रही है वो किस तरीके से पहाड़ों में चढ़ सके, मूल भाव ये है। और इस मूल भावना को पूरा करने के लिए वो निर्णय दिखाए जाएंगे सरकार की तरफ से कि हमने इस तरीके के निर्णय इसमें लिए हैं। तो कोशिश यही रहेगी सरकार की कि इस तरीके के निर्णय एक संदेश निर्णय लेकर एक संदेश जनता के बीच में पहुंचाया जाए कि मैदानों तक सीमित नहीं है सरकारी मशीनरी और सरकार नुमाइंदे। चलिए रोबिन, यकीनन आप नजर बनाए रखिए, आप खुद भी जा रहे हैं इस कैबिनेट को कवर करने के लिए गैरसैंण, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं इस कैबिनेट की बैठक में। बीपीएल परिवारों को सब्सिडी के 3 अतिरिक्त रसोई गैस सिलेंडर पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा नई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव भी पर मुहर लग सकती है। ऐसे कई फैसले हो सकते हैं क्योंकि बगुना चाहेंगे कि इस ऐतिहासिक बैठक को में फैसले भी ऐतिहासिक ही ले जाए ताकि देर तक जनता इस बैठक को याद रख सके। और अब एक हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, सांसद केसी बाबा का बयान आया है। एनडी तिवारी अगर नैनीताल संसदीय सीट से चुनाव लड़ना चाहे तो वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं। एनडी तिवारी के लिए 2014 की हम बात कर रहे हैं जब आम चुनाव होंगे। तो केसी बाबा का एक बड़ा बयान, सांसद है नैनीताल से, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि एनडी तिवारी नैनीताल से संसद का चुनाव लड़े 2014 में। बड़ी खबर नैनीताल से, एनडी तिवारी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार है नैनीताल से कांग्रेस सांसद है केसी बाबा। और इस वक्त हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं हल्द्वानी से, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, एक बड़ा बयान केसी बाबा ने कहा है कि एनडी तिवारी अगर चुनाव लड़ना चाहे 2014 में तो वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार है और एनडी तिवारी को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है नैनीताल से। आज मैं बताना चाहूंगा केसी सिंह बाबा जी नैनीताल के सांसद है, यहाँ एक ओपन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। वहाँ उन्होंने साफ तौर से नेटवर्क की खास बातचीत में कहा कि अगर जो है एनडी तिवारी जो है सक्रिय नेता है, पुराने नेता है, अगर वो नैनीताल क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो मैं अपनी जो यहाँ से सीट छोड़ दूंगा। इससे साफ तौर होता है कि वो चाहते हैं कि एनडी तिवारी जो है नैनीताल क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल पंकज, हमने देखा भी है पिछले काफी दिनों से कि कांग्रेस में जो जिस तरह से कद रहा है एनडी तिवारी का, लेकिन अब जिस तरह से सक्रिय राजनीति में ज्यादा नजर नहीं आते एनडी तिवारी, तो कांग्रेस ही भी कहीं ना कहीं उनको उस तरह से अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते जिस तरह से बुलाना चाहिए था। और उसी की वजह से हमने पिछले काफी दिनों से देखा है कि देहरादून में जहाँ एनडी तिवारी का निवास है वहाँ जो समाजवादी पार्टी के विधायक है उत्तर प्रदेश सरकार है, जो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जो मुखिया है समाजवादी पार्टी के, वो तमाम एनडी तिवारी इससे काफी मेलजोल बढ़ा रहे हैं। शायद इसकी भी एक वजह हो सकती है क्या पंकज, की अब कांग्रेस के जो नेता है वो इस तरह के प्रस्ताव रख रहे हैं एनडी तिवारी के सामने कि आप चुनाव लड़िए, हम सीट छोड़ने के लिए तैयार है। हाँ सर, बताना चाहूंगा जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले के क्या नाम है जो सीएम बहुगुणा ने साफ तौर से कहा था कि एनडी तिवारी जो है सक्रिय एक नेता नहीं है, वही इस पे केसी सिंह बाबा ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो एक सक्रिय नेता है और कांग्रेस के हमेशा इतिहास रहे, कांग्रेस के बुजुर्ग नेता, सीनियर नेता है। और इससे साफ तौर जो बहुगुणा जी का बयान है बिल्कुल गलत है और अगर कांग्रेस एनडी तिवारी चाहते हैं कहीं से लड़ना तो कांग्रेस टिकट देगी। और साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा था मैं चाहूंगा कि नैनीताल क्षेत्र से वो लड़े और मैं नैनीताल से सपोर्ट भी करूंगा और सीट भी छोड़ दूंगा। और बात करते कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस हिसाब से इनको नहीं पूछते सीनियर नेता है तो अब लगता है कि कांग्रेस भी जो कांग्रेस के जो नेता लोग है वो भी ऐसे चाहते हैं, उनकी भी चाहत होगी एनडी तिवारी को आगे लाने की। जी सर बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एनडी तिवारी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार है केसी बाबा, ये बयान आया हल्द्वानी में एक कार्यक्रम के दौरान। केसी बाबा जो नैनीताल के सांसद है उन्होंने ये बयान दिया है और कहीं ना कहीं इस बयान को इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि पिछले काफी दिनों से एनडी तिवारी की नजदीकियां समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है मुलायम सिंह यादव, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव यूपी के, उनसे काफी बड़ी है क्योंकि हमने देखा है कई बार विधायक आए भी मुलाकात करने के लिए एनडी तिवारी से जो समाजवादी पार्टी के विधायक है उत्तर प्रदेश में। तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेसी चाहते हैं कि ज्यादा नजदीकियां समाजवादी पार्टी से ना बढ़े एनडी तिवारी की, या फिर क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो ज़्यादा कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता, बिल्कुल जो कार्यक्रम होते हैं कांग्रेस के उसमें कतई शिरकत नहीं करते एनडी तिवारी और उनको वो शायद वो सम्मान नहीं दिया जा रहा जिसके हकदार है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ी शख्सियतों का नाम आता है तो एक एनडी तिवारी भी
उन्हीं बड़े राजनेताओं में से एक है जो लंबे वक्त से आजादी के बाद से ही राजनीति करते आए हैं भारत में। चलिए अब हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 नवंबर को चुनाव होने हैं, मतदान होना है विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन आज अगर बात किया है तो शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने से पहले तमाम जो सियासी दल है उनके जो नेता है वो पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं आज चुनाव प्रचार में। जैसे ही शाम के 5 बजेंगे देवभूमि हिमाचल में पिछले कई दिनों से चला आ रहा चुनाव का शोर भी थम जाएगा। हिमाचल की सुकून भरी वादियों में पिछले काफी दिनों से चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। तमाम पार्टियों के बड़े नेता इस चुनावी शोर में आवाज को बुलंद कर चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और दिग्विजय सिंह ने वोट मांगे, तो बीजेपी की तरफ से भी लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने मोर्चा संभाल कर रखा। आज प्रचार का आखिरी दिन है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टियों के नेता प्रचार में कोई कंजूसी नहीं करना चाहते। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी वीरभद्र सिंह और धूमल के चेहरों को आगे करके सियासी जंग लड़ रही है। दोनों ही फिर से मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब अपनी आंखों में संजो रहे हैं। हिमाचल में 4 नवंबर को मतदान होना है, यानी 4 नवंबर को हिमाचल की जनता अपने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनाव में कूदने वाली बीजेपी कांग्रेस पर वार कर रही है, तो वहीं घोटालों और विकास में हिमाचल को पिछड़ा बताकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। खैर कुछ भी हो, लेकिन आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थमेगा तो उसके बाद घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि कई दिग्गज आज भी हिमाचल की धरती पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं ताकि 5 बजे से पहले पहले जितना भी हो सके जनता को लुभा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो आज चुनाव प्रचार का शोर थमेगा। हालांकि इससे पहले की बात की जाए तो कांग्रेस हो या बीजेपी, तमाम पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने हिसाब से जनता के बीच वो गए, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, मनमोहन सिंह की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें। कांग्रेस के अगर ये तमाम बड़े नेता वोट मांगने के लिए हिमाचल आए तो वहीं बीजेपी भी कम नहीं रही। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज हो या फिर दूसरे तमाम बड़े नेता, उन्होंने भी अपनी मौजूदगी हिमाचल में दर्ज कराई। आज भी कई दिग्गज है जो हिमाचल में है और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विनोद पाठक जुड़ चुके हैं शिमला से, फोन लाइन पर उनसे बातचीत करेंगे। विनोद, प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी है सियासी दलों ने, आज कौन से बड़े नेता है जो हिमाचल में प्रचार के लिए आए हैं? जी रजा, आज हिमाचल में प्रचार के आखिरी दिन कई दिग्गज हिमाचल पहुंचे हैं। इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का यहाँ अभी प्रचार था और अभी अरुण जेटली आने वाले हैं और यहाँ रविशंकर प्रसाद के पीसी है। उन्होंने जितने भी सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और ये देखना है कि अब कौन सी पार्टी को वोट मिलते हैं। बिल्कुल, यानी कि आज ताबड़तोड़ रैलियों का दौर 5 बजे तक खूब जारी रहेगा, क्योंकि प्रशासन ने भी सख्त हिदायत दी है कि शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरह की रैलियों को इजाजत नहीं होगी। किस तरह की तैयारियां हैं और कहां कहां पर आप कह रहे हैं कि कई बड़े नेता हैं, अरुण जेटली भी आ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, तमाम नेता, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है और आज की रैलियों को लेकर जो कामयाब बनाने की कोशिश करती है राजनीतिक पार्टियां, किस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं? जी आज प्रत्यक्ष रूप से 5 बजे तक चुनाव प्रचार है, मगर प्रत्यक्ष रूप से जारी रहेगा, मगर इसे प्रत्यक्ष रूप को सफल बनाने के लिए कई दिग्गज पहुंच गए हैं और उनका एक ही कहना कि दोनों पार्टियां इस वक्त दिखने वाली बात यह है कि पार्टियां जितने भी हैं ये दूसरे मुद्दों को छोड़कर पर्सनल रूप अटैक कर रहे हैं। जहां तक कि अमरिंदर सिंह ने भी आज भाजपा के 11 में से 7 मिनिस्टरों का आरोप लगाया कि करप्ट है, तो वहीं 21 एमएलओ का आरोप लगाया है कि वह करप्शन से लिप्त है। वहीं कांग्रेस भी भाजपा में आरोप लगाती रही है, भाजपा भी कांग्रेस पे राजा वीरभद्र का आरोप लगा रही है कि वो करप्शन से जुड़े हुए हैं। इसलिए पर्सनल मुद्दों को छोड़कर इस बार पर्सनल मुद्दे पे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं पार्टी वाले। यानी कि पाठक आप कह रहे हैं कि जो जनता से जुड़े मुद्दे थे, जो हिमाचल के मुद्दे थे, वो कहीं पीछे छूट गए, सिर्फ पर्सनल जो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो हिमाचल में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के विनोद। और जो नज़ारा है, हम आपको बता दें कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजते ही थम जाएगा और 5 बजे के बाद फिर डोर टू डोर प्रचार के लिए प्रत्याशी और नेता जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, वोट मांगेंगे। परसों यानी कि 4 नवंबर को मतदान होगा हिमाचल में। इससे पहले तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है जनता को लुभाने के लिए। तमाम स्टार प्रचारकों का सहारा लिया गया, बड़े नेता आए, सियासी दिग्गज आए, आरोप प्रत्यारोप
का सिलसिला भी खूब चला, चाहे नरेंद्र मोदी के बयान की बात करें या फिर दिग्विजय सिंह के पलटवार की। तमाम जो सियासी बयान आए वो भी शिमला और हिमाचल के दूसरे जो जिले हैं वहीं जाकर इन नेताओं ने दिए। लेकिन जो जनता सोच रही है हिमाचल की, वो जो खामोशी भी है क्योंकि जनता में, वो भी डरा रही है राजनीतिक दलों को। इसके अलावा लोगों का की शिकायत ये भी है कि जो भी केंद्रीय नेता या फिर जो केंद्र के राजनीति जो नेता करते हैं, चाहे दिव्य सिंह की बात करें या फिर गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो आए थे, तो तमाम जो व्यक्तिगत आरोप लगाए एक दूसरे पर, उससे जनता को शिकायत है कि जो हिमाचल के मुद्दे, विकास का मुद्दा, उनकी समस्याओं का मुद्दा, वो पीछे छूट गए। नेता अपनी जो व्यक्तिगत आरोपों की लड़ाई है वो ज़्यादा लड़ते नजर आए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। कहने और करने में बड़ा अंतर है, बीजेपी सिर्फ कहती है करती नहीं है। बूढ़े आदमी हम, जिनके कोई बाल नहीं, बच्चा नहीं, कोई संभालने वाला नहीं हमको, तो हमने पेंशन मांगने गए तो हमको बोला नहीं तुमको नहीं मिलती। हिमाचल प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है, जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं और कचरा पड़ा रहता है। यहाँ का जो युवा है वो शिक्षित होने के बावजूद भी जो है छोटी मोटी नौकरियां कर रहा है। ये झूठ और लूट की सरकार है। सरकारी स्कूलों में जो बच्चों को वर्दियां और सिलाई के लिए पैसे मिलने थे वो तक खा गए। राजा वीरभद्र जी बहुमत से जीत कराए जिससे हिमाचल की खुशहाली बढ़े। आज हर कोई जुड़ना चाहता है मीडिया से, पर नहीं करना चाहता बड़े बड़े कोर्स। उत्तराखंड में पहली बार बिग विजन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया लेकर आ रहा है मीडिया से जुड़े शॉर्ट टर्म कोर्स। तो क्या आप भी बनना चाहते हैं न्यूज रीडर या एंकर, आरजे या वीजे, कैमरा या फोटोग्राफी का है आपको शौक? टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, हिप्नोथेरेपी, रेकी, वास्तुशास्त्र, ब्रेन मैपिंग, क्रिस्टल बॉल गेजिंग में अगर ढूंढ रहे हैं अपना भविष्य, तो अपने सपनों को दीजिए पंख और जुड़िए बिग विजन के संग। बिग विजन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, योर एस्पिरेशन आवर अथॉरिटी। द सनराइज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज इज एफिलिएटेड टू उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज वन ऑफ द पायनियर इंस्टीट्यूट्स कमिटेड टू इम्पार्ट बेस्ट एजुकेशन इन वोकेशनल कोर्सेज। द कोर्सेज ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट आर Bachelor of Business Administration, BBA Hotel Management, BSc Medical Microbiology, BA Journalism and Mass Communication, and MA Journalism and Mass Communication. The placement cell guides and ensures complete summer training and placement for its students. The library is enriched with a selection of latest books on related courses. 24 hours high-speed broadband internet service is also available in the computer center. The institute provides separate hostel facilities for boys and girls. So, welcome to the institution which will take your career to new horizons. Welcome to the Sunrise Institute of Management and Sciences. हिमाचल में करीब आई मतदान की घड़ी, प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ी। हिमाचल में इस बार किसके सिर सजेगा ताज? धूमल सरकार से तरस जनता, करेगी सत्ता परिवर्तन या फिर से होगा भ्रष्टाचारियों का राज? हम खोलेंगे धूमल सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों की हर पोल। किसने हिमाचल की बेशकीमती जमीन लुटाई? किसने दवा घोटाले से सेहत बनाई? किसने जनता की दाल की काली? किसने सरकारी बंगले पर ही कुंडली मारी? भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट मंत्री। नेटवर्क 10 पर शाम 6 बजे।
जब आपके पेट में दर्द हो तब क्या आप सर में पट्टी बांधते हैं? सुबह उठकर क्या आप दांत ऐसे साफ करते हैं? जब आपको भूख लगती है तो क्या आप पानी खाते हैं? जब आपको पार्टी में जाना होता है तो क्या आप ऐसे जाते हैं? गर्मी के मौसम में क्या आप ऐसे कपड़े पहनते हैं? जब आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना होता है तो क्या आप अपना सफर ऐसे करते हैं? नहीं ना? तो खबरें देखने के लिए दूसरे चैनल क्यों देखते हैं? तो खबरों के लिए देखिए नेटवर्क 10। जाने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी भी एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया था? ये लाइंस इस प्ले में है नहीं। अरे राजू, राजू सिर्फ एक बार बता दो, क्या तुमने कभी भी एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया था? अरे रे अरे कुछ हो गया, कोई न पहचान। तो आज ये बादशाह खान यानी शाहरुख खान का 47वां जन्मदिन है। कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय करने वाले शाहरुख खान के चाहने वालों की ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक फौज है। इस तरीके से तमाम जो लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं, वो पूरी दुनिया में मौजूद है शाहरुख खान के, और आज उनके जन्मदिन पर सब उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। जाने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी भी एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया था? ये लाइंस इस प्ले में है नहीं। अरे राजू, राजू सिर्फ एक बार बता दो, क्या तुमने कभी भी एक पल के लिए भी मुझसे प्यार किया था? अरे रे अरे कुछ हो गया, कोई न पहचाना। अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। राहुल हाय। नौकर ने खून किया, नौकर ने खून किया। आओ तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का दिल मैं कैसे तोड़ सकता हूं? तभी तो मैंने कहा था, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगर ओ बाजीगर, देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है, जमी किस पे है सब निगाहें, खुली किसकी खातिर है बाहें।
क्यों ये तुझ पे मरता है, दिल क्यों धक धक करता है, क्यों ये तुझ पे मरता है, दिल तुझको ही चाहे बार बार। हम तो दीवाने हुए यार। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बातें अपने दिल में दबा के रखना। चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, टोली सजा के रखना। चमक चलो कैसा शर्माना आजा नच के दिखा रे, आ मेरी होले आजा पारी दा गिरा रे, आ मेरी अखियों से अखियां मिला रे, आ तू ना नखरे दिखा बड़ा चमक चलो। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तुमसे दो लफ्जों में, तुमसे ये कहना था, उधर आज करवा चौथ का व्रत पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के की कामना के लिए व्रत रखती है, और आज पूरे अगर भारत की बात की जाए, तमाम जो युवतियां हैं, शादीशुदा जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी जो पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा हुआ है। हिंदू धर्म में स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए निराहार निर्जल व्रत करती हैं, और इस पर्व को करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विशेष रूप से मनाया जाता है। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यशाली, सौभाग्यवती, सुहागिन स्त्रियों के लिए होता है। इस व्रत में सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही आपका व्रत पूरा होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। इस दिन पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकटी गणेश चतुर्थी की तरह ही दिन भर उपवास रखना पड़ता है, और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रत ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक मास की चौथी तिथि को यह पर्व बहुत उत्साह से मनाती हैं सभी स्त्रियां। इसे करक, करवा, करुआ या करुआ अनेक नामों से जाना जाता है।
कई स्थानों पर इसे करवा गौर के नाम से भी पहचाना जाता है। करवा मिट्टी या धातु से बने हुए लोटे के आकार के एक पात्र को कहते हैं, जिसमें टोंटी लगी होती है। करवा चौथ का व्रत स्त्रियां अपने सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। शास्त्रों में दो विशिष्ट संदर्भों की वजह से करवा चौथ व्रत के पुरातन स्वरूप का प्रमाण मिलता है। इस व्रत के साथ ही शिव और पार्वती के उल्लेख की वजह से इसे अनादि काल का पता चलता है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत सिर्फ विवाहित स्त्रियों के लिए ही है, परंतु अविवाहित कन्याओं द्वारा भी इस व्रत को किए जाने के प्रमाण उपलब्ध है। फर्क सिर्फ इतना है कि सौभाग्यवती महिलाएं चंद्र दर्शन के पश्चात पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं और कन्याएं आसमान में पहले तारे के दर्शन के बाद अपना व्रत समाप्त करती हैं। करवा चौथ व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस व्रत के लिए चंद्रोदय के समय चतुर्थी होना जरूरी माना जाता है, परंतु आधुनिक समय में कैलेंडर पर बने हुए चित्र पर ही हम पूजा कर सकते हैं। 8 पूरियों की 18 बनाते हैं, हलवा बनाते हैं और पक्के पकवान बनते हैं। पीली मिट्टी से गौरी बनाते हैं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाए जाते हैं। गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाया जाता है, चौक बनाकर आसन को उस पर रखते हैं और गौरी को चुनरी उड़ाई जाती है। बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार किया जाता है। जल से भरा हुआ लोटा साथ में रखते हैं। बायना यानी के देने वाली वस्तुएं भेंट, इसके लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लिया जाता है। करवे में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दिया जाता है और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखी जाती है। यह आप अपने परिवार में प्रचलित जो भी सामग्री है उसे आप रख सकते हैं। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनता है। करवे पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। करवे की कथाएं भी भिन्न भिन्न हैं। कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दें। यदि सासू मां ना हो तो अपनी जेठानी को या ननद को भी आप यह भेंट स्वरूप दे सकते हैं। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोंटीदार करवा अलग रख लें। रात्रि में चंद्रमा जब निकलता है तो चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन कर लें। अब जानते हैं कथा। कथा कुछ इस प्रकार है। करवा चौथ के व्रत की कई कथाएं मानी जाती हैं, जिसमें से एक कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी, जिसका नाम वीरावती था। उसका विवाह सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण के साथ हुआ। ब्राह्मण के सभी पुत्र विवाहित थे। एक बार करवा चौथ के व्रत के समय वीरावती की भाभियों ने तो पूर्ण विधि से व्रत किया, किंतु वीरावती सारा दिन निर्जल रहकर भूख न सह सकी तथा निढाल होकर बैठ गई। भाइयों की चिंता पर भाभियों ने बताया कि वीरावती भूख से पीड़ित है। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा देखकर ही खुलेगा, ये सभी जानती थी। यह सुनकर भाइयों ने बाहर खेतों में जाकर आग लगाई तथा ऊपर कपड़ा तान कर चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया। फिर जाकर बहन ने कहा कि चांद निकल आया है, अर्ध्य दे दो। यह सुनकर वीरावती ने अर्ध्य देकर
खाना खा लिया। नकली चंद्रमा को अर्घ्य देने से उसका व्रत खंडित हो गया। उसका पति अचानक बीमार पड़ गया। वह ठीक न हो सका। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने पृथ्वी पर आई। इसका पता लगने पर वीरावती ने जाकर इंद्राणी से प्रार्थना की कि उसके पति के ठीक होने का उपाय बता दे। इंद्राणी ने कहा कि तेरे पति की यह दशा तेरी ओर से रखे गए करवा चौथ व्रत के खंडित हो जाने के कारण हुई है। यदि तू करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से बिना खंडित किए करेगी तो तेरा पति ठीक हो जाएगा। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि से संपन्न किया। फलस्वरूप उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया और करवा चौथ का व्रत तभी से प्रचलित है। इसी प्रकार बहुत सी ऐसी प्रचलित कहानियां हैं जिनमें शिव पार्वती का भी जिक्र किया जाता है। भारत भर में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व करवा चौथ के लिए महिलाएं विशेष रूप से श्रृंगार करती हैं। फैशन के इस दौर में भी महिलाएं पारंपरिक रूप से तैयार होती हैं। कुछ महिलाएं इस दिन विवाह के समय ओढ़ी जाने वाली चुन्नी भी ओढ़ती हैं। तो कुछ एक करवा चौथ के अवसर पर नई साड़ी खरीदकर उन्हें भी पहनती हैं, नए आभूषण धारण करती हैं। नवविवाहिता के पहले करवा चौथ पर कुछ परिवारों में मायके से ससुराल में उपहार स्वरूप वस्त्र और श्रृंगार का सामान भिजवाया जाता है, जिसे पहनकर नवविवाहिता यह पूजा करती है। करवा चौथ के दिन छोटी बहू परिवार की बड़ी बहू या सास को करवा और मिष्ठान प्रदान कर अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेती हैं। आज के इस आधुनिक दौर में जो स्त्रियां अपने परिवारों से काम करने के लिए अपने पतियों के साथ बाहर कहीं दूर रहती हैं, वह यदि पूरे विधि विधान से पूजा नहीं कर पाती तो उन्हें इस व्रत के दिन यह संकल्प जरूर लेना चाहिए कि पति पत्नी के आपसी रिश्ते में कभी कोई तीसरा ना आने पाए और पूरे प्यार व निष्ठा से पति पत्नी एक दूसरे के साथ सदैव ईमानदारी से जीवन जीने की शपथ लें। तो यह व्रत करवा चौथ आपके जीवन का वह गठजोड़ होगा जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।